हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कमेंट्स की भरमार इसलिए है कि सब पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम कब होगा। जाहिर सी बात है, मेरा बताना और कन्फ्यूज़न दूर करना लाजमी है। आपको मैंने ये रिसेंटली ये प्रोफाइल दिखाया होगा, ये पिक भी मैंने दिखाई थी। इसमें कैसे कैसे आपको सेंटर चेंज करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, विषय ज़रा ध्यान से पढ़िए। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 हेतु प्रथम वरीयता वाले परीक्षा केंद्र, शहर विकल्प वन में परिवर्तन का विकल्प। अब यहाँ आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है जुलाई 2020 हेतु, मतलब आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है। अब बहुत लोग क्या किए हैं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं बीच में। मैंने उनको बहुत पहले एक मोटिवेशन वीडियो दिया था, लेक्चर भी दिया था, और कहा था कि भाइयों पढ़ाई नहीं छोड़ो क्योंकि एग्ज़ाम तो होने होगा ही। और अब तो यूनिवर्सिटी को कोई पंगा भी नहीं है क्योंकि वो अपने हिसाब से सबसे नज़दीक के शहर आपको दे रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। आपने सेंटर चेंज भी किया होगा तो अब आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस बात के लिए कंफर्म रहो और कमेंट करना बंद करो, पढ़ाई शुरू करो यारो। सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, अगर आपने पिछले 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, प्लीज़ सारे अलग अलग प्लेलिस्ट में जाइए, सबके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रिविजन कीजिए, देखिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। बहुत लोग आधे अधूरे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, 10 प्रैक्टिस सेट लगाए, बाकी के 20 छोड़ दिए। यार, जनरल साइंस की 33 प्रैक्टिस सेट आ गई है, पॉलिटी की 24 प्रैक्टिस सेट आ गई है, हिस्ट्री की 10 आ गई है, ज्योग्राफी की भी लगभग 10 आ गई है। अगर आपने नहीं लगाया अभी, अगर आपने अभी नहीं लगाया, आप पीछे रह जाओगे, बात समझो। क्योंकि मैक्सिमम GS पोर्शन आता है और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है। नहीं तो मैं अपना जो है रीजनिंग का भी चैप्टर लेके आऊँ, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, इसलिए मैं भी लाना नहीं चाहता हूँ। मोटिवेट हो यार, सेल्फ मोटिवेटेड हो। आपको BHU जैसा बड़ा कैंपस मिलेगा, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या मिल सकता है। वहाँ पे दुनिया की सारी सुविधाएं हैं, जिम मिलता है फ्री में, बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉस्टल बेनिफिट है। आप अलग अलग प्लेलिस्ट में जाओगे, सब कुछ मैंने मेंशन किया है BHU की क्या खासियतें हैं, उनको देखो, मोटिवेटेड हो और उठो, जगो और शुरू हो जाओ। तब तक लगे रहो जब तक अपने लक्ष्य को पा ना लो। अब बैठना नहीं है, अब आराम नहीं करना है, अब वक्त नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई लास्ट से एग्ज़ाम शुरू होगा, तो अगस्त में, अगर UGC कैलेंडर को भी देखें तो वो भी कहता है अगस्त में एग्ज़ाम होगा, जिसका मैंने लिंक भी दिया था, कई बार लोगों ने देखा भी है। उस कैलेंडर को जरूर देखिएगा, जुलाई से अगस्त, मतलब कि 30 से 45 दिन से ज़्यादा आपके पास नहीं है। तो अब कमर कस लो यारों, क्योंकि अब वक्त नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा समझो डीपली और तैयारी शुरू करो आज से, अभी से। इस वीडियो खत्म होने के बाद से जितने भी वीडियो जा रहे हैं, जितने भी नोट्स बनाए हैं आपने, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और तैयारी को शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।